जिला मंडी के लड़बड़ोल में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते लड़बड़ोल तहसील में आए दिन सड़कों में भारी मलबा गिर रहा है और सड़कें तहस नहस हो रही हैं, जिससे वाहनों की आवाजाही में बहुत परेशानी हो रही है। आज भारी बारिश से लड़बड़ोल भडेक मार्ग पर सड़क धस गई है और जगह जगह पत्थर गिर रहे हैं। लड़बड़ोल उपमंडल के लोक निर्माण विभाग सहायक अभियंता राहुल ठाकुर ने बताया कि लड़बड़ोल बड़ेक मार्ग में पिछले कल ही तथा आज लगभग 5 लाख का नुकसान हो गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि इस भारी बारिश से 2 से 2.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। भारी बारिश के कारण हर रोज सड़कें खराब हो रही हैं और विभाग द्वारा समय समय पर रास्तों को भी खुलवाया जा रहा है। पिछले कल भारी बारिश होने के कारण 1-2 जगह पर हमारे भूस्खलन हुआ है और जगह जगह पर जो है वो पत्थर भी आए हुए हैं सड़क पर, तो उसके कारण हमारा लगभग गेट रोड पे कल का 5 लाख के आसपास का नुकसान है जी। इस वर्ष सर बरसात में कितना लॉस हुआ? लगभग बरसात में अभी तक हमारा लगभग 2 से 2.5 करोड़ तक का नुकसान जो है वो लड़बड़ोल उपमंडल के तहत हो चुका है जी। बाकी सर जो सिविल अस्पताल लड़बड़ोल है उसकी जो बिल्डिंग है सारी, मतलब कहीं कहीं उसमें दरारें हैं, कहीं मेंटेनेंस नहीं हुई है उसकी, तो उसके लिए आपके पास कोई बजट वगैरह आया हुआ है या फिर कोई मतलब सैंक्शन करवाया हुआ? लड़बड़ोल सिविल हॉस्पिटल की मुरम्मत के लिए हमारे पास इस समय किसी भी प्रकार के बजट का कोई प्रावधान नहीं है जी। बाकी सर आपको दिक्कतें तो नहीं आ रही है? जैसे डेली कोई ना कोई रोड वगैरह खराब हो रहे हैं, कहीं स्टाफ वगैरह की या कुछ और दिक्कतें तो नहीं सामने आ रही? नहीं, स्टाफ तो हमारे पास भरपूर है, बाकी हमने मशीनरी भी लगा रखी है हर सेक्शन में, तो उस कारण रोड खोलने में ऐसी कोई परेशानी का अभी तक कोई आ नहीं रही। बाकी जैसे रोड बंद होते हैं, ज़्यादातर रात के समय रोड बंद हो रहे हैं, तो उन्हें सुबह हम 1-2 घंटे के अंदर अंदर कोशिश करते हैं कि वो खोलते हैं और खोल भी रहे हैं जी सर। उज्जवल हिमाचल के लिए लड़बड़ोल से लक्की शर्मा की रिपोर्ट।